हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन का, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या था, फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। कि फ्रिक्शन है उसकी एडवांटेजेस भी है, मीन्स नेसेसिटी भी है, और डिसएडवांटेजेस भी है, मीन्स इविल भी है। जैसे कि नेसेसिटी की अगर बात करें तो कोई भी वर्क ऐसा नहीं है जिसको हम बिना फ्रिक्शन के कर सकते हैं, और इविल की अगर बात करें तो काफी ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि हर किसी की अपनी डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, या नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें तो आप जानते भी हैं कि जैसे कि वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, हम जो चलते हैं तो ये भी फ्रिक्शन के द्वारा पॉसिबल है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, स्लिप ही कर जाएंगे। तो इस तरह से काफी ज्यादा एडवांटेजेज है। तो जैसे कि वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट ए फ्रिक्शन, अभी कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी आपको बताया ना किसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कई ऐसे केस होते हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है। तो ये सभी डिस्कस करेंगे इसमें, पहले एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर कौन से मेथड के द्वारा हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, और अभी आपको बताया ना कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ेगा, तो वो सारे मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो जैसे कि वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, बिकॉज इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन वी स्लिप ऑन द सरफेस, बिकॉज इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज ए नो फ्रिक्शन देन वी स्लिप, तो हम क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे ऑन द सरफेस। समझ बेटा। सेकंड में जैसे कि मान लीजिए जो हम बात करते हैं नट एंड बोल्ट जो होल्ड करते हैं पार्ट्स ऑफ मशीन को, विल नॉट वर्क विदाउट ए फ्रिक्शन, तो नट्स एंड बोल्ट्स होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ ए मशीन विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अब ये वर्क नहीं करेंगे, मींस नट एंड बोल्ट्स हैं उनका हम यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ मशीन को होल्ड करने के लिए, अब ये वर्क नहीं करेंगे, मींस इंजन वर्क नहीं करेगा तो फिर ट्रांसफर ऑफ मोशन है वन पार्ट से अदर पे मशीनरी पार्ट का, वो भी नहीं होगा विदाउट फ्रिक्शन। तो शायद आपको समझ आ रहे होंगे, बिल्कुल आपके पास थ्योरेटिकल से है। या ब्रेक्स ऑफ व्हीकल, ये काफी इंपोर्टेंट है, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल Will not work without friction। कि जो ब्रेक्स लगाते हैं वो फ्रिक्शन के कारण तो लगते हैं, विल नॉट वर्क विदाउट ए फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। जैसे कि अभी आपको बताया कि एक सैंड पेपर होता है उसे हम साफ कर लेते हैं, जैसे क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट पॉसिबल, क्योंकि नो टू सरफेस विल स्टिक ईच अदर, ये तो काफी मेन है, तो ये लिख लेते हैं पहले। समझ में आ गया होगा बेटा, रफ करते हैं, बहुत इजी सा है। नो टू सरफेस विल स्टिक ईच अदर विदाउट फ्रिक्शन, कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टू सरफेस एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करेंगे, ये काफी ज्यादा मेन है। तभी हम जैसे यहाँ पर भी लिख पा रहे हैं, राइटिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट ए फ्रिक्शन, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ये भी लिख दो आप, राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, या हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट लिख देते हैं, राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड इज ए नॉट पॉसिबल विदाउट ए फ्रिक्शन, विदाउट ए फ्रिक्शन। और भी बहुत सारे हैं, क्लीनिंग विद सैंड पेपर साफ करने के लिए होता है ये, जैसे मिट्टी से भी साफ करते हैं हम, क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट वर्क
विदाउट ए फ्रिक्शन, मीन्स एडवांटेज इज टू हिट मिस आर हिट विदाउट ए फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। और जैसे कि अभी आपको बताया कि जो ट्रांसफर होता है मैं मशीनरी पार्ट का, जैसे कि पुली, पुली होती है जो, या हमारे पास से एक पटासा होता है जिसको आप जानते भी हैं, तो ये मोशन है ये भी किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण ही होता है हमारे पास। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट, क्या लिखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ वन पार्ट ऑफ मशीन टू वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट विल नॉट पॉसिबल विदाउट ए फ्रिक्शन, विदाउट ए फ्रिक्शन। तो शायद आपको समझ में आ गए होंगे बेटा कि जहां हमें ये हमारे पास क्या है, और भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ए फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन इज नेसेसिटी, कि हमें फ्रिक्शन चाहिए चाहिए, ठीक है बेटा। अब हर एक की डिसएडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेजेस कैसे हैं ये लास्ट आपको समझ में आया होगा ना, वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट कैसे, देखो जैसे कि मान लीजिए आपके पास से आटा पीसने वाली चक्की है, उसमें मोटर होती है, मोटर में जो फटा बोलते हैं जिसको, या पुली होती है वैसे तो वो, ठीक है, तो वहां से और वहां तक देखो उसमें एक जो हम पुली लेते हैं तो उसकी हेल्प से तो अदर पार्ट मोशन में आया, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एडवांटेजेज ऑफ ए फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेज की, मीन्स इविल की बात करते हैं, कि फ्रिक्शन इज इविल, फ्रिक्शन इज ए इविल, या हम क्या कह देंगे, डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेज ऑफ ए फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेज भी है। जैसे कि अभी आपको बताया कि नट और बोल्ट है वो होल्डिंग द पार्ट ऑफ मशीन, वो विदाउट फ्रिक्शन नहीं करते, अब जब फ्रिक्शन करेंगे तो वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब टूट जाएंगे तो हमें दोबारा अगेन लेके आने पड़ेंगे। या जैसे कि हम देखते हैं कि जब फ्रिक्शन की हेल्प से जहां पर भी जैसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो हीट हो जाते हैं, और हीट होने के कारण वो टूट जाते हैं, मीन्स फ्रिक्शन है वो क्या करता है, रिड्यूस देयर लाइफ, या फ्रिक्शन रिड्यूस द, अगर ज्यादा हो जाए तो और भी, फ्रिक्शन है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन रिड्यूस द लाइफ ऑफ ए मशीनरी पार्ट, मशीनरी पार्ट्स सारे आ गए उसमें, जैसे कि जहां पर भी नट बोल्ट इनको होल्ड करते हैं, तो जितने भी जो मशीनरी पार्ट्स हैं उनकी को क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देती है उनकी लाइफ को, क्योंकि ज्यादा ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो इस तरह से वो उनको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है बेटा। और फ्रिक्शन है वो क्या करता है, वियर एंड टियर ऑफ पार्ट ऑफ मशीन को भी करते हैं, टूट फूट हो जाती है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ, वियर एंड टियर द पार्ट्स ऑफ मशीन, पार्ट्स ऑफ ए मशीन, ठीक है बेटा। जैसे कि उसमें क्या होता है, इस तरह से हमारे पास टूट फूट हो जाती है, तो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर द पार्ट ऑफ ए मशीन। और भी हमारे पास जैसे कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट में ट्रांसफर हो जाती है, तो फ्रिक्शन सम लॉसेज ऑफ एनर्जी विद द फ्रिक्शन। और यहां पर जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो जनरली किसके फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा। और भी हमारे पास जैसे कि फ्रिक्शन है वो क्या करता है, ये लॉसेज ऑफ एनर्जी भी कह दे, या लॉसेज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, ये भी कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट विद द फ्रिक्शन, या ये भी कह सकते थे इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि फ्रिक्शन है वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इनकी डिसएडवांटेजेज, और जब ये इस तरह से काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेज, मीन्स इसके डिसएडवांटेजेज मेनली यही है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, कुछ एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है,
कुछ ये रिड्यूस कर देते हैं उनकी लाइफ को, क्योंकि अगर जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतने ही मशीनरी पार्ट्स हैं वो हमें बार बार में चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस। देखो अब हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फ्रिक्शन है वो क्रिटिकली नीडेड होता है, मीन्स फ्रिक्शन की जरूरत ही होती है उनके अंदर। कौन कौन सी सिचुएशन, जैसे कि ये अभी भी आपको बताया था एडवांटेजेस में कि वी आर एबल टू वॉक बिकॉज जो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमें नहीं चल पाएंगे। तो जैसे कि डिफिकल्ट हो जाता है टू वॉक ऑन आइस बिकॉज फ्रिक्शन है, वहां पर स्मॉल होता है आइस जो कि फिसल जाते हैं ना, फ्रिक्शन है वो स्मॉल होता है। तो मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन है उसकी क्रिटिकली नीडेड ही है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि सेकंड में क्या कहा, ऑन एन ऑर्डिनरी रोड जो बिटवीन टायर्स और रोड में जो रोटेशनल मोशन है व्हील का वो कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग मोशन में, और वही प्रोवाइड करता है एक्सेलरेटेड मोशन जिसके कारण कोई भी जो बॉडी है वो चलती है। जैसे कि यहाँ पर कार की बात कर रहे हैं तो कार ले ली, मीन्स यहाँ पर देखो क्या कहा कि इस कंडीशन के अंदर कि जो ऑर्डिनरी रोड होता है, जैसे जनरली जो रोड है, तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसमें जो रोटेशनल मोशन है ना व्हील्स का वो कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग मोशन में, और वही प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सेलरेट द कार्स। मीन जैसे कि जो टायर्स है वो फिर क्या करते हैं, रोल करते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ पर मीन्स अगर टायर, देखो टायर्स भी सिंथेटिक रबड़ के बनाए जाते हैं, सिंथेटिक रबड़ के इसलिए बनाए जाते हैं टायर्स ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन द टायर्स एंड रोड वो इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज होने से जैसे एक तो बॉडी रोटेट करे इस तरह से, एक वो बॉडी क्या करने लग जाएगी, ऐसे जनरली रोल करने लग जाएगी, और वही एक्सेलरेट मींस एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी जिसके कारण कोई भी व्हीकल्स है वो एक्सेलरेट करता है। तो यहाँ फ्रिक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन बट पावर इज डिस्पेटेड इन दिस प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको बताया था कि ब्रेक्स है कोई भी मशीनरी पार्ट के, वो वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ही करते हैं। मीन से अब देखो जब ब्रेक किया पहले तो बॉडी किसमें थी, मोशन में, अब एकदम से वो जैसे रुकती है, रुकने का मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो लगा यहाँ पर, जो अपोजिंग फोर्स लगा जिसके कारण कोई भी व्हीकल है वो रुका, तो कुछ एनर्जी है वो लॉस होती होती है, बताया भी आपको। तो पावर इज डिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट ए कार ऑन ए स्लिपरी रोड। अगर मान लीजिए एक स्लिपरी रोड है और वहां पर कार को स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो देखो इस तरह की जो कंडीशन है तो कुछ वेज है, कुछ तरीके हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्लिपरी रोड ही है, मीन्स बर्फ से ढका हुआ है, तो क्या करते हैं सम वेज, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन क्योंकि इन जो सिचुएशन है वहां पर फ्रिक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है, और काफी ज्यादा जरूरत है तो कुछ हमें फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया तो कोई भी स्लिपरी रोड है वहां पर कार को स्टार्ट करना इम्पॉसिबल होता है, मीन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वहां पर फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि जो रोड जो स्नो से बिल्कुल ढके हुए हैं वहां पर क्या कर देते हैं, कुछ जो सैंड है उसको थ्रो कर देते हैं, या सैंड, सम सैंड इज स्प्रेड, सम सैंड इज स्प्रेड ऑन ए स्नो कवर्ड विद ए रोड, या स्नो जो कि हमारे पास कोई भी रोड था उसके ऊपर बर्फ ने उसको ढक रखा था, तो वहां पर क्या किया जाता है, कुछ मिट्टी है उसको बिखेर दिया जाता है, उसके ऊपर इस तरह से फैला दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाए। और फ्रिक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तभी हमारे पास, जैसे कि अभी भी आपको बताया था काफी ज्यादा उसके एडवांटेज है, तभी मोशन है वो पॉसिबल होगा। तो कार है या कोई भी मान लीजिए व्हीकल है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा देखो जो ये मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स होता है ना, ये भी इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के लिए करते हैं कि जो टायर्स होते हैं वो मेड ऑफ सिंथेटिक रबर, मेड ऑफ ए सिंथेटिक रबर, और जो ये सिंथेटिक रबर होता है ना, सिंथेटिक रबर, इसके कारण जो सिंथेटिक रबर है तो जिसके कारण जो टायर्स एंड रोड है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स इस तरह के, जैसे उसके अंदर ये भी देखा होगा आपने कि मान लीजिए जो धावक होते हैं ना जो दौड़ते हैं उनके जो सूज होते हैं उनमें ग्रिप सी लगाए रखते हैं ना, ऐसे टायर्स के अंदर भी होती है, आपने देखी भी होगी।
तो जो सिंथेटिक रबर के बनाए जाते हैं, और सिंथेटिक रबर के बनाने का मेन मोटिव यहाँ पर यही है ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन द टायर्स एंड रोड वो इंक्रीज हो जाए। तो ज्यादा जैसे फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा इंक्रीज होगा तो आप देखते भी हैं कि जैसे कि मान लीजिए उनके अंदर टूट फूट हो जाती है, तो फिर एक जो सिरा है उसको ऊंचा उठाती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही पड़ती है, तो जैसे कि उसको ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक जो रबर है उनको प्रीफर किया जाता है, क्योंकि सिंथेटिक रबर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन द टायर्स एंड रोड वो इंक्रीज हो जाता है। और सिंथेटिक रबर का जो मीन जो इस तरह के टायर बनाए जाते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होने का मेन मोटिव यहाँ पर क्या है कि जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना इस तरह के मीन्स नेचुरल मेटेरियल को ध्यान में रखते हुए ये सब बनाया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए तो क्या होगा कि ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वियर एंड टियर सो पार्ट सो मशीन भी होगा, तो इसलिए इनको क्या करते हैं कि इस तरह से वियर एंड टियर्स को बचाने के लिए, क्योंकि ज्यादा अगर फ्रिक्शन होगा तो हमें रिड्यूस भी करना पड़ेगा, थोटिकल सा टॉपिक है। तो सम तरीके हैं टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, या मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, वो तो इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन थे। अब यहाँ पर फ्रिक्शन है उसको क्या कर रहे हैं रिड्यूस, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन है वो भी वियर एंड टियर्स करेगा पार्ट्स ऑफ मशीन के, तो कुछ फ्रिक्शन है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये आप जानते भी हैं बाय पॉलिसी कि जो सरफेस है उनको क्या कर देते हैं पॉलिस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तो आपके पास कोई मेज ले लिया हमने, एक मेज है वो बिल्कुल ही रफली रफली है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं पॉलिस कर देते हैं, और जब पॉलिस कर देंगे तो स्मूथ हो जाएगी। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस केस में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय लुब्रिकेटिंग, बाय लुब्रिकेटिंग। देखो लुब्रिकेटिंग क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा जो ग्रीस लगा देते हैं मशीनरी पार्ट्स के ऊपर, जो ग्रीस लगा देते हैं ना, ग्रीस लगाना मीन से ऑयल इस तरह से, जो ग्रीस का एक आपके पास पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है ये भी ग्रीस, ठीक है। तो जो ग्रीस लगा देते हैं उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं तो बाय लुब्रिकेटिंग के कारण, देखो तो पॉलिश कर दी फिर उसके ऊपर और ज्यादा उसको स्मूथ सरफेस बना दिया ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाए, वियर एंड टियर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन है वो कम हो जाए। इसलिए आपने आप जानते भी होंगे कि ग्रीस है वो टाइम टू टाइम लगाई जाती रहती है मशीन के अंदर, जैसे मशीन का ऑयल होता है उसको डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो, या नट एंड बोल्ट होते हैं जो होल्ड करते हैं मशीनरी पार्ट्स को, तो उनमें भी इस तरह से ग्रीस लगाई जाती है फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो वियर एंड टियर की हेल्प से वो पार्ट्स बहुत जल्दी टूट जाएंगे और हमें फिर दूसरे रिप्लेस करने पड़ेंगे उनकी जगह। तो फ्रिक्शन फोर्स है उसको रिड्यूस करने के कुछ तरीके हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि बाई सिलेक्टिंग द प्रॉपर, या प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल, बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल, क्योंकि ये आपने पढ़ा था पीछे कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है, लो जो फ्रिक्शन के अंदर पे पढ़ा था आपने ये कि क्या पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए मेटीरियल ऑफ ए सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सरफेस मीन्स इस तरह से प्रॉपर सिलेक्शन करना है मेटीरियल का, ऐसा मेटीरियल लेना है कि जिसके लिए फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा ना हो ना ही बहुत कम हो, क्योंकि अगर कम होगा तो अभी आपने बताया था कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। तो बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ही जो टायर्स होते हैं वो रबड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस तरह के होते हैं कि जहां पर रबड़ के टायर बनाए, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टायर्स हो वो तो स्मूथ से होते हैं, कुछ है उनके अंदर ग्रिप्स इस तरह जो होती है वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होती है, क्योंकि जैसे मशीनरी पार्ट्स है उसके अकॉर्डिंग उनके टायर्स होते हैं। लेकिन नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द सरफेस मीन्स कि जब स्टार्टिंग में जो मेटेरियल का जब सिलेक्ट करेंगे तो वो नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द सरफेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी वजह से जो टायर्स होते हैं वो रबड़ के बनाए जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन टायर्स और जो कि हमारे पास से कंक्रीट होता है या रोड होता है उसमें फ्रिक्शन है वो मीन्स उतना ही ज्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे, लगभग टायर्स है वो क्या करते हैं रिड्यूस ही करते हैं,
मीन्स जैसे कि अभी आपने देखा कि जो रोटेशनल मोशन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग मोशन में, तो ऐसी कंडीशन तो नेसेसरी है ही, तो बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल मीन्स इसमें रिड्यूस कर देती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर हमें फ्रिक्शन की नीड भी होती है और उसको रिड्यूस भी करना पड़ता है, तो बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी मटेरियल है वो चूज किया जाता है। ठीक है बेटा, एक जैसे कि आप जानते हैं स्टीमलिंग शेप, बाय स्टीमलिंग शेप, स्ट्रीमलिंग शेप देखो क्या होती है, जैसे कि जो भी हमारे पास से जैसे एरोप्लेन है या जो जेट प्लेन होते हैं उनकी शेप इस तरह से होती है ना, आगे से चपटी सी होती है ताकि एयर फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पर भी क्या एयर फ्रिक्शन है उसको कम कर दिया जाए, या जैसे कि जो बच्चे भी आप लोग भी बनाते हो ना, जो जहाज सी बनाते हैं इस तरह से आगे नुकीली सी इस तरह से, ताकि वो हवा के अंदर उसको थ्रो कर पाए, तो बाय स्ट्रीमलिंग शेप, अगर इस तरह की जो शेप देंगे स्टीम लाइनिंग शेप, LING स्पेलिंग देख लेना बेटा एक बार थोड़ा, बाय स्टीम लाइनिंग शेप, बाय स्टीम लाइनिंग शेप मीन्स इस तरह की अगर शेप देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहां पर कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, एयर के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो एयर फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी एक मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। लास्ट है बाय यूजिंग द बॉल बीयरिंग, ये काफी इंपोर्टेंट है, बाय यूजिंग द बॉल बीयरिंग मीन्स जैसे आप जानते भी होंगे जिसको हम बैरिंग बोलते हैं, बैरिंग जनरल वे के अंदर जनरल भाषा के अंदर बैरिंग बोल देते हैं ना, वो है हमारे पास बाय यूजिंग बॉल बीयरिंग, बाय यूजिंग बॉल बीयरिंग, बीयरिंग होता है जनरली हम उसको बैरिंग बोल देते हैं, मीन्स क्या होता है इस तरह से जो गोली सी गोली होती है सर्कुलर शेप के अंदर ऐसे इस तरह से ऐसे, तो क्या करते हैं जैसे साइकिल के टायर्स में इस तरह से होती है, तो क्या करती है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको कन्वर्ट कर देती है रोलिंग फ्रिक्शन में, और रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, देख एक तो बॉडी स्लाइड करे दूसरी हमारे पास बॉडी है वो क्या करे रोल करे, तो बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ये तो हमारे पास कोई भी एक्सल होता है ना, वो एक्सल में इस तरह से ये टायर्स क्या तरह से फिट होता है, तो ये ऐसे बॉल की तरह लगा लेते हैं जैसे जनरली वे के अंदर इसको बेयरिंग बोलते हैं, तो इन इसके कारण क्या होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सॉरी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में, और रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है, तो ये कुछ मेथड थे हमारे पास रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, क्या क्या डिस्कस किया हमने कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, मींस फ्रिक्शन की क्या क्या एडवांटेज थी क्या क्या डिसएडवांटेज थी, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फ्रिक्शन है वो क्रिटिकली नीडेड होता है तो हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा फिर हमें उसको रिड्यूस भी करना पड़ेगा, तो कुछ मेथड हमने रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन डिस्कस किए, कुछ इंक्रीजिंग द, कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर फ्रिक्शन की क्रिटिकली नीडेड होती है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।